देखो हम लोग पढ़ क्या रहे हैं बाबू, आपको क्वाड्रिलेटरल चैप्टर पढ़ा रहे हैं, ठीक सर? तो क्वाड्रिलेटरल किसको कहेंगे? चार साइड से घिरा हुआ क्लोज फिगर को क्वाड्रिलेटरल कहेंगे। तो उसमें आपको क्या पढ़ा है? क्वाड्रिलेटरल में बाबू आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट बता दिए, उतना खाली याद रखेगा ना किसी से, है ना? उसके बाद कोई भी स्कूल का बच्चा रहे भिड़ जाएगा आराम से। सबसे पहले क्वाड्रिलेटरल में आपको क्या बताया, क्या बताया सर? पैरेललोग्राम के बारे में बताया है ना, पैरेललोग्राम के बारे में बताया है ना, पैरेललोग्राम के बारे में बताया, यही बताया ना, है ना सर? इससे रिलेटेड क्वेश्चन करवाए, ठीक। सेकेंड आपको क्वाड्रिलेटर में क्या बताया सर? रोम्बस के बारे में, है ना? सेकेंड आपको क्या बताया? रोम्बस के बारे में, है ना? यही बताया बाबू, है ना? है ना? थर्ड आपको क्या बताया बाबू? क्वाड्रिलेटर का ये सब बाल बच्चा, ये सब कौन है? बाल बच्चा, ट्रेपीजियम बताएं। क्या बताएं? ट्रेपीजियम बताएं, है ना बाबू? फोर्थ आपको क्या बताएं बाबू? स्क्वायर बताएं, है ना? क्या बताया? स्क्वायर या रेक्टेंगल बताएं, है ना? क्या बताया? रेक्टेंगल बताएं, है ना? रेक्टेंगल बताएं। फिर अगला क्वाड्रिलेटर का खानदान कौन है बाबू? आपका स्क्वायर बताया। क्या बताया? स्क्वायर बताया, स्क्वायर बताया। अगला आप छठा कौन आपको बता रहे हैं? काइट बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? काइट बता रहे हैं ना। तो इतना हम लोग डिस्कस कर चुके हैं ना, कर चुके हैं। इसके बाद क्या रहेगा? क्वाड्रिलेटर से रिलेटेड कुछ कुछ क्वेश्चन करवा देंगे, है ना? स्क्वायर और ये पैरेललोग्राम, है ना बाबू? इस सबसे रिले पैरेललोग्राम से हो गया ये आपका रेक्टेंगुलर स्क्वायर वाला, है ना? ये सब करवा देंगे, आपका खत्म हो जाए, है ना? तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं सर? काइट पढ़ रहे हैं। तो कल आपको काइट पढ़ाए थे बाबू, है ना? फोर साइडेड घिरा हुआ क्लोज फिगर को हम लोग क्या कहेंगे बाबू, है ना? काइट कहेंगे। तो फोर साइडेड क्लोज कैसे होना चाहिए? ऊपर वाला दोनों साइड आपस में बराबर होना चाहिए और नीचे वाला दोनों साइड आपस में बराबर होना चाहिए, तब इसको हम लोग क्या कहेंगे? काइट कहेंगे। क्या कहेंगे? काइट कहेंगे। लव बाबू वीडियो ऑन करो जी, लव रोशनी बाबू ऑन कीजिए। शैतानी सब बीपी हाई करवा देता है भाई, ये मार देगा। मोबाइल रोटेट करो लव, ये तो एकदम लत खोर हो गया इसको तो एकदम। कैमरा डाउन कीजिए, थोड़ा डाउन करो, फेसुस दिखता नहीं है, ठीक। तो हम लोग काइट किसको कहेंगे सर? तो वैसा क्वाड्रिलेटर बाबू जिसका एडजेसेंट साइड, जैसे ई ब्लू वाला, ये सी डी और ए बी क्या है? बी सी, एडजेसेंट साइड। ये दोनों आपस में क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। इसका एडजेसेंट ये है। अब मन में डाउट आएगा सर कि ई दोनों भी एडजेसेंट है ना? हाँ बाबू, तो ये दोनों एडजेसेंट है, लेकिन इसका ये वाला एडजेसेंट क्या होगा? बराबर होगा, है ना? और इसका ये वाला भी एडजेसेंट क्या होगा? आपस में क्या होगा? बराबर होगा। तो ऐसे फोर साइडेड फिगर को हम लोग क्या कहेंगे? काइट कहेंगे। ऐसे फोर साइडेड फिगर को हम लोग क्या कहेंगे? काइट कहेंगे ना, काइट कहेंगे, ठीक। नेक्स्ट बाबू, तो काइट का आपको कल डिफाइन कर दिए थे, आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। तो पहला प्रॉपर्टी आपको कल लिखा दिए थे ना, जो आज का फर्स्ट क्लास है उसके लिए हम लोग लिखा है ना, यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके थे। ये नहीं समझो कि सर भूल गए, है ना? यहाँ तक हम लोग कल लिखा चुके थे, है ना? प्रॉपर्टीज ऑफ काइट, काइट इज नॉट ए पैरेललोग्राम, है ना? यहाँ तक कहानी कल हो चुका था, है ना? नेक्स्ट बाबू, ये शाम को। अब बाबू काइट में होता क्या है बाबू, हमेशा ध्यान, ये सब क्या है? सारा का सारा प्रॉपर्टीज लिखल है, ये सब जो है बाबू, ये सब सारा का सारा क्या है? प्रॉपर्टीज लिखा हुआ है ना, यही प्रॉपर्टी को ध्यान रखना है ना, ध्यान रखना है, ठीक है ना? तो पहला प्रॉपर्टी क्या कहता है वो, यहाँ काइट में बाबू, है ना? देखो शांति से देखना इसको, जब काइट ड्रा करोगे ना, तो ये जो एंगिलवा है कौन वाला, बी और डी एंगिलवा, ऑब्टूज एंगल बनेगा, और ये वाला एंगिलवा ए और सी, है ना? ए सी क्या बनेगा? एक्यूट एंगल बनेगा, है ना? बी और डी आपका क्या बनेगा? ऑब्टूज एंगल बनेगा। आइसू देखे आप, हाँ कॉपी में ये काइट ड्रा करो, है ना? और उसको क्या करो, प्रोटेक्टर की सहायता से क्या करो, मेजर करो। इस तरह से प्रोटेक्टर की सहायता से मेजर करोगे, है ना? प्रोटेक्टर की सहायता से मेजर करोगे, भोला मेरा कैसे सर, है ना? तो एगो आपका एक्यूट एंगल आएगा, एगो आपका क्या आ जाएगा? ऑब्टूज एंगल आ जाएगा। इसको मेजर करो, ये प्रोटेक्टर है ना, तो ये वाला एंगल मेजर करो, एगो कैसे रखो ना जी, है ना? इस तरह से, तो एगो देखो 90 से बाहर जाएगा, इधर जाएगा, है ना? इसको इधर रखोगे, है ना? इसको इधर यहाँ पे रखोगे इस तरह से, भोला, है ना? इस तरह से, तो एगो दूसरा क्या जाएगा? 90 के बाहर जाएगा, है ना? 90 के क्या जाएगा? बाहर जाएगा, है ना? तो इस तरह से प्रोटेक्टर से मेजर करोगे, तो दो गो जो आपका एंगल जाएगा, ये दोनों एंगल कौन सा एंगल होगा? अब्ट्यूज एंगल। ये दोनों क्या होगा? एक्यूट एंगल। ए सी क्या हो जाएगा? एक्यूट एंगल हो जाएगा ना, ए सी क्या हो जाएगा? एक्यूट एंगल हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट बाबू, तो जो अब्ट्यूज एंगल होता है वो आपस में इक्वल होता है, एक्यूट वाला हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, है ना? नॉर्मल जितने भी काइट होंगे, तो ये जो अब्ट्यूज एंगल है ये आपस में क्या होगा? बराबर होगा। मान लो ये 100 डिग्री, तो ये 100 डिग्री, ये 120 डिग्री, तो ये 120 डिग्री, है ना? तो जो अब्ट्यूज एंगल है आपस में क्या होगा? इक्वल होगा। आपस में क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। ए गुनगुन, कहाँ गुनगुन आ रही जी? गुनगुन अंशु जी, तो ऑन कर बाबू, ऐसी वाणी बाबू वीडियो ऑन कीजिए। आइए अंशु, अशु कौन है जी? बाबू रिमूव कर देंगे, कौन हो अशु? वीडियो ऑन करो बाबू, नहीं तो रिमूव कर देंगे, ठीक। तो जो अब्ट्यूज एंगल है आपस में क्या होता है? इक्वल होता है, मतलब एंगल डी अब भी आपस में क्या होगा? बराबर होगा, प्रॉपर्टी, ठीक। पहला तो ये है, दूसरा प्रॉपर्टी ये, पहला काइट पैरेललोग्राम नहीं होता, यहीं से आएगा, है ना? फिर जो अब ये ऑब्ट्यूज एंगल है, ये वाला आपस में बराबर नहीं होगा, है ना? बराबर नहीं होगा। नेक्स्ट बाबू, डायगोनल डी बी, है ना?
ये वाला प्रॉपर्टी है, यहाँ वाला प्रॉपर्टी सेम है, शांति समझना। जो बाबू है ना, जो बाबू आपका कौन सा होता है, जो बड़ा वाला डायगोनल है, शांति समझना। यहाँ पे है ना ये वाला द लॉन्गर डायगोनल, और ये वाला, दोनों सेम बात है ना, सेम बात है, खाली आपको का बात बनाया गया। इस दोनों स्टेटमेंट में कुछ अंतर नहीं है ना, कुछ अंतर नहीं है। जो लॉन्ग, इसमें दो तरह के डायगोनल मिलेंगे सर, काइट में दो तरह के डायगोनल कैसे सर? अरे डी को बी से मिला देते, ये छोटका डायगोनल, ए को सी से मिला देते, ये बड़का डायगोनल, है ना। तो ये दोनों, अब ये दोनों जो डायगोनल होता है, ये दोनों जो डायगोनल होता है कैसे मरता है, एक दूसरे के 90 डिग्री कट करता है ना, हमेशा ध्यान देना। ये दोनों जो डायगोनल होगा एक दूसरे पे कैसे, यहाँ पे 90 डिग्री बनाएगा, जहां पे कट करेगा है ना, दोनों डायगोनल जहां पे कट करेगा कैसे बनाएगा, 90 डिग्री बनाएगा। और क्या सर, और क्या सर, शांति से है ना। ये जो 90 डिग्री बनाता है बाबू, तो साथ 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 जो बड़का डायगोनल वा होता है ना, जो बड़ा वाला डायगोनल होता है ना, छोटका को बाइसेक्ट करता है। मतलब आप क्या कहना चाह रहे हैं, शांति समझना, ठीक है ना। ये जो बड़ा वाला डायगोनल है सर, डी ओ और ओ बी है ना बाबू, कोई भी काट में बाबू है ना, दो का डायगोनल बनेगा है ना। तो ये दोनों डायगोनल क्या होगा, एगो बड़ा होगा सर, एगो छोटा होगा, देखने से लगता भी है सर, है ना, सही बात है। तो जो बड़का डायगोनल है वो छोटका डायगोनल को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करता है। मतलब क्या सर, यहाँ पे 90 डिग्री बनाएगा, और एक कितना बनाएगा, यहाँ पे सारे में क्या बनाएगा, 90 डिग्री बनाएगा। प्लस क्या होगा, प्लस क्या होगा, प्लस क्या होगा, ई वाला साइड वा है ना, और ई वाला साइड वा क्या होगा, सेम होगा। ये दोनों साइड वा क्या होगा, सेम होगा। तो क्या छोटका डायगोनल वा बड़का को बाइसेक्ट करेगा? ना, छोटका डायगोनल वा बड़ा वाला को बाइसेक्ट नहीं करेगा, लेकिन बड़ा वाला डायगोनल छोटे वाला डायगोनल को क्या करता, बाइसेक्ट करता है ना। मतलब ये जितना लेंथ है ये वाला, उतना ही लेंथ ये वाला होगा, वही लेंथ क्या होगा, ये वाला होगा, है ना। याद रख करते चलना, याद करते चलना, ठीक। नेक्स्ट नेक्स्ट बाबू है ना, और बाइसेक्ट करेगा, बाइसेक्ट करने का मतलब क्या हो गया, डी ओ बराबर क्या हो जाएगा, ओ बी हो जाएगा। बड़का डायगोनल बाद छोटका को बाइसेक्ट करेगा, मतलब क्या हो जाएगा, डी ओ बराबर क्या हो जाएगा, ओ बी हो जाएगा। तो वही यहाँ पे लिखा है, डी ओ बराबर क्या हो जाएगा, ओ बी हो जाएगा, ठीक। ने समझो, जो शॉर्टर डायगोनल होता है बाबू, दो आइसोसेल्स ट्राइंगल का फॉर्म करता है। जो छोटा वाला डायगोनल है वो क्या बनाएगा, दो आइसोसेल्स ट्राइंगल बनाएगा। कैसे सर, नहीं समझ में आया, देखो समझो। छोटा डायगोनल है काइट में, वो क्या बनाएगा, दो आइसोसेल्स ट्राइंगल बनाएगा। कैसे सर, कैसे सर, देखो कैसे है ना। देखो काइट बना बनाते हैं ना, आप लोग को बनाना नहीं है, मान लो ये मेरा क्या है, काइट है ना, इस तरह से है ना, ठीक सर। छोटका डायगोनल वाला ये हो गया है ना, अब छोटका डायगोनल ये वाला हो गया बहुत, यहाँ से दो ट्राइंगल आपको दिख रहा है ना, छोटा वाला डायगोनल, ये ट्राइंगल नंबर वन दिख रहा है, ट्राइंगल नंबर टू दिख रहा है। तो ये दोनों ट्राइंगल कैसा है सर, आइसोसेल्स ट्राइंगल। आइसोसेल्स ट्राइंगल किसको कहते हैं सर, वैसा ट्राइंगल सर जिसका दो साइड इक्वल हो। तो कैसा आइसोसेल्स का ये, आए बाबू मेरा, अगर ए बी सी डी बोला, ए बी सी डी अगर काइट है, तो ये दोनों साइड आपस में बराबर होता है ना, ये दोनों साइड बराबर होता है, तो ट्राइंगल नंबर एक क्या हो गया, आइसोसेल्स ट्राइंगल हो गया। और काइट का क्या होता है, ये दोनों साइड आपस में क्या होता है, बराबर होता है, ये दोनों साइड भी आपस में क्या होता है, बराबर होता है, तो ट्राइंगल नंबर दो भी क्या हो गया है ना, ये आइसोसेल्स ट्राइंगल हो गया, आइसोसेल्स ट्राइंगल हो गया। तो जो छोटका डायगोनल है ना बाबू, जो काइट को कैसे करता है, दो को आइसोसेल्स ट्राइंगल में डिवाइड करता है। ट्राइंगल तो डिवाइड करवे करता है, लेकिन आप लोग को कंसेप्ट सिखाना ना, तो कौन सा ट्राइंगल बनेगा, आइसोसेल्स ट्राइंगल बनेगा है ना, कैसा बनेगा, आइसोसेल्स ट्राइंगल बनेगा, छोटका डायगोनल है ना। तो यही बात इंग्लिश में लिखा है, द शॉर्टर डायगोनल फॉर्म्स टू आइसोसेल्स ट्राइंगल है ना। दैट इज कहने का मतलब क्या हुआ है ना, डायगोनल डी बी फॉर्म्स टू आइसोसेल्स ट्राइंगल, डी सी बी और ए डी बी, डी सी बी ट्राइंगल नंबर एक, और ट्राइंगल नंबर बी कौन, ए बी डी ट्राइंगल नंबर दो, आइसोसेल्स ट्राइंगल। अब मन में डाउट था सर, तो बड़का डायगोनल भी आइसोसेल्स बनाएगा ना, बड़का डायगोनल आइसोसेल्स नहीं बनाएगा, कैसे सर, शांति से समझना है ना। ये छोटा डायगोनल था, नया फिगर बनाइए, अच्छा से समझना, ठीक। नेक्स्ट बाबू, ये वाला फिर से वही क्या हो गया, काइट हो गया है ना, ये बड़ा वाला डायगोनल हो गया है ना, ठीक बाबू। अब शांति से समझना, तो जो बड़ा वाला डायगोनल होता है, यहाँ भी वही बात है बाबू, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया। तो जो बड़का डायगोनल है, दो को ट्राइंगल को फॉर्म कर रहा है सर, कौन सा सर, ट्राइंगल नंबर एक सर, ट्राइंगल नंबर दो। शांति से सुनो, लिखेगा तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगा सर, आप दे देंगे तो। शांति से सुनो, तो जो बड़का डायगोनल बा है, दो को ट्राइंगल फॉर्म कर रहा है सर, ट्राइंगल नंबर एक, ट्राइंगल नंबर दो। तो ये दोनों जो ट्राइंगल होता है कैसा होता है, कंग्रेंट होता है, कैसा होता है, कंग्रेंट होता है, कैसे सर, देखो कैसे।
देखो 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 कैसे है ना, कंग्रेंट होता है। देखो ट्राइंगल नंबर एक में चलो तो ई वाला साइड वा, ई वाला साइड वा बराबर हो जाएगा। ट्राइंगल एक में चलेगा सर, दो में चलोगे तो ई साइड बराबर सर। क्यों सर? अरे भोला इसलिए बाबू मेरे कि काइट का साइड क्या होता है, ई वाला साइड वा, ई वाला साइड आपस में बराबर होता है ना काइट का, काइट के प्रॉपर्टी से। हाँ सर। नेक्स्ट ई साइड वा आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा है ना। हाँ सर। अभी ताजा ताजा पता है काइट में ई वाला एंगल क्या होता, अब ट्यूज एंगल होता, ये अब ट्यूज एंगल होता, तो यह दोनों एंगल वा क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। हाँ सर। या ऐसे भी कह सकते हो, ये कंसेप्ट नहीं लगाना है, तो ई दो को साइड बराबर हो गया और ई साइड पर ट्रायंगल एक दो में क्या हो गया, कॉमन हो गया ना। ऐसे साइड क्या हो गया, ट्रायंगल एक दो में क्या हो गया, कॉमन हो गया। तो साइड 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 से हम लोग ट्रायंगल एक दो क्या कर सकते हैं, कंग्रेंट कर सकते हैं। ट्रायंगल एक दो क्या कर सकते हैं, कंग्रेंट कर सकते हैं ना। तो ये सब कंसेप्ट आपको याद रखना है ना, ठीक है ना बाबू। ये मैक्सिमम को पता ही नहीं रहता, नहीं विश्वास होता तो अपने फ्रेंड में स्कूल में जाते ना पूछना किसी से, पहले तो इतना कोई बतेवे नहीं करेगा है ना, पूछना जाकर देख। तो जो बड़का डायगोनल होता है बाबू ट्राइंग है ना, काइट को क्या करता है, दो को कंग्रेंट ट्राइंगल में क्या करता है, डिवाइड करता है। और छोटका टाइगर डायगोनल है ना आइसोसेल्स ट्राइंगल में, छोटका क्या करेगा, आइसोसेल्स ट्राइंगल में, आइसोसेल्स ट्राइंगल में जो ये कंग्रेंट नहीं बनाएगा। देखे से भी लगता है सर, कंग्रेंट क्या होता है, दो है ना कंप्लीटली ओवरलैप कर जाना, दो शेप को कंग्रेंट, जैसे ये मेरा हाथ है तो सामने से आपको एक के हाथ दिखाई देगा है ना, अगर कंप्लीटली ओवरलैप करेगा तो क्या कहेंगे, कंग्रेंट कहेंगे। तो इसको उठा के इस पे लिखोगे तो ओवरलैप कर जाएगा, लेकिन इसको मोड़ के रखोगे तो ये ओवरलैप नहीं करेगा। तो एक दो मेरा क्या होगा, कंग्रेंट नहीं बनेगा इसमें छोटका से, अब बड़का डायगोनल से क्या बनेगा, कंग्रेंट बनेगा। तो छोटी छोटी लेकिन मोटी बात है ना, याद रखते चलना है ना। नेक्स्ट तो ये पॉइंट हो गया बाबू, हो गया खत्म। शॉर्टर डायगोनल कंग्रेंट ट्राइंगल बन, अरे आइसोसेल्स ट्राइंगल बनाएगा, और जो लॉन्गर डायगोनल होता है कौन सा ट्राइंगल बनाता है, कंग्रेंट ट्राइंगल बनाता है। कैसे कंग्रेंट बनाएगा, सोच सकता है ना जी, ये साइड वाई साइड बराबर होता सर काट के प्रॉपर्टी से, ये साइड वाई साइड बराबर हो गया सर, अब बीच वाला साइड वा कॉमन हो गया सर, तो ट्रिपल एस्केरेटरी से ट्रायंगल क्या होगा, कंग्रेंट हो गया है ना। ट्रायंगल क्या हो गया, कंग्रेंट हो गया है ना। तो वही है, तो बड़का डायगोनल के द्वारा ट्रायंगल कौन बनेगा, ए डी सी, वही लिखल है। और क्या बनेगा, ए बी सी, ए बी सी है ना। ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या होगा, कंग्रेंट होगा, क्या हो जाएगा, कंग्रेंट हो जाएगा ना, कंग्रेंट हो जाएगा। नेक्स्ट बाबू हे सुजीत वीडियो ऑन करो जी, द लॉन्गर डायगोनल ये तो बताया दी बाबू। नेक्स्ट बाबू द लॉन्गर डायगोनल बाबू बाइसेक्ट, हाँ ये तो बता दिया ना, लॉन्गर डायगोनल छोटका को क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा। और जो लॉन्गर डायगोनल है बाबू वो एंगल को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है ना। मतलब आप क्या कहना चाह रहे हैं, हम कुछ नहीं कहना चाह रहे, शांति समझो, लिखेगा बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगा। ये जो लॉन्गर डायगोनल है ना बाबू, इस साइड हो गया तो ये लॉन्गर डायगोनल है, तो ये जो एंगल वहा है, एंगल ये वाला, ये वाला जो एंगल वा इसको क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा है ना, इसको क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा। मतलब ये 30 डिग्री तो ये हो 30 डिग्री है ना, ये 75 डिग्री तो ये हो 75 डिग्री है ना। तो लेकिन 75 75 तो होगा नहीं बाबू, क्या ये संभव है बाबू, शांति समझना। अब यहाँ पे आपको कंसेप्चुअल क्वेश्चन है ना पूछेगा है ना, देखो कैसे सर, शांति समझो। एगो डायगोनल बना, एगो काइट बनाते, ठीक, यही सूख गया जी, अभी ये ना बना डाले बाबू, इंक बहुत जल्दी सूख जाता है ना। ये हो गया, ये मान लो बाबू बोल दिया 45 डिग्री है ना, या ये ऐसे दे देगा, ये कह देगा 60 डिग्री। अब बड़का डायगोनल आपको बता के छोड़ दिया कि बाइसेक्ट करता है, ये बड़ा वाला डायगोनल है ना जी, ए बी सी डी, तो ये वाला एंगल वा पूछेगा कितना डिग्री है ना, आपको क्या बताया गया कि बड़ा वाला डायगोनल एंगल को बाइसेक्ट करता है, तो ये 60 डिग्री है, तो ये कितना डिग्री होगा जी, बता बाबू आदित्य सिंह को हाँ बोलो सर, कहाँ रहता है जी, वीडियो भी इसका बंद है क्या बाबू, कहता हाँ सर, कौन सा चैनल पकड़ लिया था जी, कौन बताओ सिंह को बाबू, बताओ सुन लो बाबू, ये एंगल 60 डिग्री, तो एंगल दो कितना हो जाएगा, वो भी ये 60 डिग्री हो गया। 60 डिग्री हो जाएगा, ये वाला एंगल अगर एक्स मान लेते हैं तो एंगल एक्स की वैल्यू कितना हो जाएगा, 60 सर कंग्रेंट है। सर 60 हो जाएगा। चलो भोला देखो भोला, हाँ बाबू ये तो बात बाबू सही है, चलो इसको देखते हैं ना। तो ये क्या करेगा, एंगल को क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा, एंगल को क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा है ना, बाइसेक्ट करेगा ठीक है ना। लेकिन बाबू जैसे अगर यहाँ पे 60 है बाबू, तो ये क्वेश्चन ही पूछना क्या है, गलत है, शांति से समझना बाबू।
इसलिए बोला अगर ये 60 है तो इसको भी 60 कहोगे तो गलत हो जाएगा। क्यों जी? क्योंकि भोला ये 60 अगर करोगे, शांति से यहाँ समझने वाला पॉइंट है बाबू, इसको 60 करोगे सिंह को तो ये भी 60 हो जाएगा ना सिंह को, समझा बोला? तो ये 60 हो जाएगा तो पूरा एंगल कितना हो जाएगा भोला सिंह को? 120 120 हो जाएगा जी। और अभी आपको क्या बताएं, ये एंगल वाई क्यूट एंगल होता है, ये दोनों एंगल वाई क्यूट होता है, ये दोनों ऑब्ट्यूज होता है, तो यहाँ पे 60 डिग्री संभव ही नहीं हो सकता, ठीक है ना? यहाँ जब भी वैल्यू लेगा तो क्या आपको कहेगा 45 से कम लेना पड़ेगा, तब ना दोनों जोड़ के 90 से कम होगा जी। ये एंगल ओवरऑल क्या होता है, एक्यूट होता है। तो अगर ये 60 देता है ना बाबू तो ये एंगल 60 नहीं होगा, है ना? 60 नहीं होगा, है ना? 60 नहीं होगा, 60 नहीं होगा। अगर 60 होगा भोला तो उस केस में क्या होगा कि ये ऑब्ट्यूज एंगल हो जाएगा। क्या बन जाएगा आपका? ऑब्ट्यूज एंगल बन जाएगा ना। तो इसको हम डिटरमिन नहीं कर सकते, है ना? अगर 30 देता है तो ये 30 होगा, टेंशन नहीं। अगर 30 दे रहा है तो दूसरा 30 होगा, जोड़ जोड़ के कितना होगा? 60 होगा, एक्यूट एंगल आता। लेकिन यहाँ पे एगो 45 से ज्यादा दे, एगो 50 दे दिया तो ये 50 दे देगा। अगर दोनों 50-50 हो जाएगा भोला तो 100 डिग्री हो जाएगा ना। लेकिन ये जो डायगोनल है ना, ये क्या बनाता है? एक्यूट एंगल बनाता है ना। तो ये आपका गलत हो जाएगा, है ना? यहाँ 50 से ज्यादा, 45 से ज्यादा दबे नहीं करेगा, ठीक है ना? तो वही यहाँ पे लिखल है, लॉन्गर डायगोनल वो बाइसेक्ट द पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स, है ना बाबू? जो लॉन्गर डायगोनल करता है बाबू, है ना, ये पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स को क्या करता है? बाइसेक्ट करता है। क्या करता है? बाइसेक्ट करता है, बाइसेक्ट करता है ना, बाइसेक्ट करता है, ठीक है ना? तो इतना सारा रिलेटेड क्या था आपका, काइट से रिलेटेड आपका क्या था, है ना, कंसेप्ट था। अब हम लोग क्या करेंगे बाबू, उसको कल डाउट हो रहा था, है ना, क्या गुनगुन को, है ना, है ना? तो अगला क्वेश्चन क्या बाबू, प्रूव डेट द बाबू, है ना, डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल्स बाबू आर इक्वल। अगला जो आपको प्रूफ करना बाबू, है ना, प्रूव डेट द डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल्स आर इक्वल, इस बात को प्रूफ करो। कल गुनगुन बोल रहे थे ना जी कि रेक्टेंगल का डायगोनल इक्वल नहीं होता है। अगर इस बात को अगर आप प्रूफ कर देते तो इसका मतलब रेक्टेंगल का डायगोनल क्या होगा? इक्वल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू, तो ये रिलेटेड आपका क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड जो भी बाल बच्चा था, है ना, छे, वो सारा कंसेप्ट उससे रिलेटेड हम आपको बता दिए, है ना, बता दिए। अब थोड़ा सा क्वेश्चन हम लोग करेंगे, है ना? तो पहला क्वेश्चन आपका क्या बाबू, पहला क्वेश्चन बाबू, प्रूव डेट द बाबू, क्वेश्चन नंबर कितना होगा जी? कई को करवाएं जी? याद वाद रखिये बाबू गुनगुन, जिंदगी जी रहा, लव जी लो, लव आके इसको अब पीटेंगे ना कस के, तब होगा। अनुज भाई वीडियो ऑन करो, अगस्त्य से तन ऑन करो, कितना होगा बाबू? सर। नहीं लिखिए अब, अगला दिन, सिक्स पहले अगला दिन से बाबू एक आध सप्ताह पढ़ाएंगे लिखाएंगे नहीं, पहले सबका फेयर चेक करेंगे, उसके बाद सबसे पूछेंगे। प्रूव डेट द बाबू, सिक्स होगा सर। चलो ठीक है, प्रूव डेट द डायगोनल, नहीं बाबू अब एक आध दिन फेयर है चेक करेंगे सबका। प्रूव डेट द डायगोनल ऑफ बाबू रेक्टेंगल, प्रूव डेट द डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल, जो रेक्टेंगल का डायगोनल होता है वो इक्वल होता है, इस बात को क्या करो, प्रूफ करो। कैसे करोगे? बनाओ बोला, एगो रेक्टेंगल बनाओ सुंदर सा, तो कहाँ गया जी, इंच कहाँ गया, स्केल कहाँ गया, यहाँ एक सुंदर सा रेक्टेंगल बनाओ, जिसको जिसको इलेक्ट्रोलाइसिस का एक्टिविटी देखना है बाबू 7 बजे बताएंगे, देख लेना। इलेक्ट्रोप्लेटिंग का, इलेक्ट्रोलाइसिस तो कल हो गया था, इलेक्ट्रोप्लेटिंग जानते हो, इलेक्ट्रिसिटी से हम लोग क्या करेंगे, दूसरे मेटल का लेयर चढ़ाएंगे, सर, तो गोल्ड का करेंगे आप? गोल्ड का बाबू, गोल्ड का आपको जब थोड़ा बड़ा हो जाओगे ना तब बताएंगे। गोल्ड के लिए हमको क्या चाहिए, गोल्ड का सर सल्फेट गोल्ड चाहिए, का फिर तो पढ़ तो कौन लेते से हैं। मेटल का करेगा कॉपर का करेंगे, मेरे पास कॉपर का ही ये है बाबू, साल्ट है, कॉपर गोल्ड का रखिए सर। का नमक होता है। अरे आगे आप 10th में पढ़ोगे ना, ऐसा जो साल्ट है बाबू, तो साल्ट जो होता है बाबू खाली NaCl को ही साल्ट थोड़ी कहते हैं, जैसे कॉपर का सल्फेट को हम लोग साल्ट कहते हैं, बहुत सारे साल्ट है।
अल्मोनियम सल्फेट को भी हम लोग साल्ट के, जहाँ एसिड बेस मिल गया वहां पे क्या बनेगा, साल्ट बनेगा। तो ये जो आपका है यही क्या है, कॉपर सल्फेट लिखा है ना बाबू, क्यूप्रिक सल्फेट, CuSO4 5SO5H2O, तो ये क्या है, यही कॉपर सल्फेट है ना। अब इसको इलेक्ट्रोलाइसिस करोगे ना तो हमको तो एक क्या मेटल आ फॉर्मूला गया सर? CuSO4 5, ये जो कलर होता है ब्लू कलर होता है देखो, है ना, देखो अंदर दिख रहा है नील के लुइस जैसा, होता है ना? हाँ ब्लू कलर। इसको पानी में डालोगे तो वाटर कैसा हो जाएगा, ब्लू कलर का हो जाएगा, है ना, ब्लू कलर का हो जाएगा, एक बार ठीक है ना। डार्क दिखाइए ना। हाँ दिखाएंगे 7 बजे आना, इतना ही सुन डब्बा बाबू 1000 रुपया का है, ठीक है ना। सर 1,000 का ऑनलाइन कहे तो मंगवाए थे? 800 का है। 1 ग्राम अरे कैसे है? तो राउंड फिगर में हुआ ना जी, मैथ वाला राउंड, बढ़िया वाला राउंड राउंडिंग करेंगे ना जी। हाँ सर, उसको राउंड बढ़िया, करिए, 800 1,000 होगा सर, जाएगा। 800 होगा। 26 हाँ का बाबू, 800 ही होगा। हाँ बाबू 800 होगा, वो हमको भी पता है, चलो ठीक है। नहीं सर, आपके लिए 1,000 हो जाएगा, वो राउंड टॉप के। हाँ बाबू हम लोग के लिए हो जाएगा। एक नेक्स्ट, आपको प्रूफ करना है क्या बाबू, डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, है ना, जो डायगोनल का रेक्टेंगल का डायगोनल होता है क्या होता है, इक्वल होता है, इस बात को प्रूफ करो। देखो कैसे करोगे, आसान है सर, पहले दो को डायगोनल बनाओ, तो ABCD में रेक्टेंगल है, दो को डायगोनल बनाओ, दो को क्या करो डायगोनल बनाओ। अरे शैतान, इससे काला बना रहा, दो को डायगोनल बनाए बाबू, बनाए जल्दी से, जल्दी से बनाइए, बन बनाइए, आप लोग बैठ के आरती उतरिएगा। एगो डायगोनल ये हो गया सर, एगो दूसरे कलर से बनाते हैं, एगो ब्लू से बना देते हैं, ठीक। हाँ सर, दो का डायगोनल हो गया, ठीक। अब आपको प्रूफ क्या क्या करना, कि AC बराबर BD होगा, ये प्रूफ करना। देखो पहले समझा देते हो, उसके बाद सॉल्यूशन करो, लिखो इतना फिर समझाते हैं, ये तो सही आसान थी, सा है, वो कुछ नहीं पढ़ाए करें। तो सर। क्या हुआ? बताए तो है सर। अरे बताएं, लेकिन प्रूफ नहीं ना किए जी, कि अच्छा रेक्टेंगल का हाँ हाँ डायगोनल क्या ये होता है, इक्वल होता है, प्रूफ करने का रहा। ABCD इज ए रेक्टेंगल, अब जितने सारे रेक्टेंगल ABCD इज ए रेक्टेंगल दिया हुआ है, गिवेन डेट, क्या दिया हुआ है, गिवेन डेट बाबू, गिवेन ABCD इज ए रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल आपको दिया हुआ, तो रेक्टेंगल का प्रॉपर्टी यूज करो, ABCD इज ए रेक्टेंगल बाबू, तो रेक्टेंगल का क्या प्रॉपर्टी होता है सर, एंगल ए बराबर एंगल बी होगा, सारा एंगल इक्वल होता है ना जी, रेक्टेंगल प्रॉपर्टी यूज करो, इक्वल टू 90 डिग्री। आपको प्रॉपर्टी लिखाए थे किस दिन के लिए, इसी इसी दिन के लिए लिखाए थे, आज ही के लिए, सारा का सारा एंगल क्या होता है, रेक्टेंगल का इक्वल होता है, ठीक। नेक्स्ट बाबू, रेक्टेंगल दिया तो रेक्टेंगल का प्रॉपर्टी क्या होगा सर, AB बराबर क्या होगा, CD होगा, हमको जो यूज पड़ेगा उसको हम लोग यहाँ से उठा लेंगे, जो यूज पड़ेगा वो उठा लेंगे, और BC बराबर क्या हो जाएगा, AD हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट समझना, ठीक, यहाँ पे है ना 90 डिग्री हो जाएगा। नेक्स्ट बोला, सर, हाँ बोला बोलो, ये ABCD से रेक्टेंगल लिखना जरूरी है, क्योंकि रेक्टेंगल को ही ना प्रूफ कर रहे हैं उसका डायगोनल को। अरे मेरे लाल आपको शांति से समझो, अभी तो वीडियो ऑन करो जी, शुभ शैतान, ये तो इसको शैतान ने खोर नहीं है नमक आपका, अगस्त ऑन करो जी, आपको प्रूफ करना है कि रेक्टेंगल का डायगोनल क्या होता है, इक्वल होता है, तो रेक्टेंगल का डाय मतलब आपको रेक्टेंगल दे दिया, रेक्टेंगल क्या किया, दे दिया, तो दे दिया तो उसको लिखोगे ना बाबू, गिवन डेट ABCD इज रेक्टेंगल, आज जैसी रेक्टेंगल आपको दे दिया तो उसका जो भी प्रॉपर्टीज होता है उसको यूज करोगे ना, ठीक। अब इतना प्रॉपर्टी यूज करके आपको प्रूफ कर देना है कि इसका डायगोनल इक्वल होगा, मतलब AC और BD क्या होगा, इक्वल होगा, यही सब प्रॉपर्टी यूज करके कैसे मतलब करोगे। सर लिखना पड़ेगा ABCD इज अ हाँ रेक्टेंगल। तो हाँ लिखोगे नहीं बाबू, रेक्टेंगल लिखोगे तब ना, ये रेक्टेंगल का प्रॉपर्टी लिखे हैं, एंगल ए बराबर बी बराबर सी बराबर डी बराबर 90 लिखोगे, कहाँ से लिखोगे, कैसे लिखोगे, क्योंकि रेक्टेंगल है सर, रेक्टेंगल का एंगल एम डायरेक्ट कितना होता है। हाँ लिख बाबू, तब डायरेक्ट कहे लिखोगे जी, वी हैव टू प्रूफ,
हमको क्या प्रूफ करना है ना, वी हैव टू प्रूफ बाबू डायगोनल्स आर इक्वल, हो गया खत्म बस, डायगोनल्स आर इक्वल, डाइटिज, डाइटिज कहने का मतलब क्या होगा, ए सी बराबर बी डी प्रूफ करना है ना, ठीक। चलो अब प्रूफ करो बाबू, नाउ बाबू है ना, इन ट्राइंगल, अब देखो आपको बोले थे बाबू जब भी साइड इक्वल प्रूफ करना रहे, लिख लो इतना लिख लो, जिंदगी जी लो, देख लो कि सबका वीडियो ऑन करवाते हैं, अनु से ऑन करो, बिटू बाबू ऑन करो, अंशु जी से ऑन करो, ए बाबू धाम ऑन करो जी, सुरुति बाबू कैमरा डाउन कीजिए, संजना बाबू मोबाइल नहीं रोटेट करके पढ़ते हो जी, संजना यस सर मोबाइल रोटेट करके नहीं करती हो जी, कैसे छोटा छोटा दिखेगा, सर देख लीजिए आगे लिखिए जल्दी लिखिए जल्दी लिखिए, अच्छा ठीक है देखते हैं, जल्दी करो बाबू, लिख लिया सिंको, जिंदगी जी रहा जी, कहाँ है सिंको, जिंदगी नहीं जीना बाबू, सर कर लिया प्रूफ हो गया, चलो अच्छी बात है, तो देखो क्या करेंगे, आपको क्या करा कि ए सी या बी डी बराबर, तो वैसा दो ट्राइंगल खोजो बाबू जरा में ए सी आ जाए बी डी आ जाए, ये रेक्टेंगल में बाबू है ना, कौन ऐसे दो ट्राइंगल सेलेक्ट करोगे जिसमें ए सी भी साइड आ जाए बी डी आ और बी डी भी साइड आ जाए, देखो कैसे करना, शांति समझना है ना, इसको इरेज करो तो कौन सा ट्राइंगल में सर, अब शांति से समझना, इस ट्राइंगल में चलते हैं सर, देखो ये वाला ट्राइंगल देखो, ये वाला ट्रायंगल जो बोल्ड कर रहे हैं है ना, ये ट्रायंगल में मेरा एगो साइड वा आ गया ना, इस ट्रायंगल अगर लिया बाबू तो ट्रायंगल थी बीडी साइड वा आ गया, एगो ट्रायंगल बाबू ये ग्रीन, इसको कर देते ग्रीन कलर वाला, देखने की कोशिश करो जितना खर्चा करवाना है करवा लो भोला दिख रहा ट्रायंगल, दो ट्रायंगल तो एकदम आंख एकदम क्लियर क्लियर दिख रहा है ना, एकदम क्लियर क्लियर दिख रहा हो, तो दो ट्रायंगल में चलो ए बी डी, और किस में चलोगे है ना, एगो ए बी डी चलो, एगो ये वाला बी सी ए में चलो है ना, बी सी ए में चलो है ना, इन ट्रायंगल, अब नामकरण कैसे लिखोगे जी बाबू, एंगल ए लिखा है ना तो एंगल ए लिखो, इन ट्रायंगल ए बी डी एंड एंगल ए के बराबर कौन सा एंगल है, एंगल बी है, ट्राइंगल कौन सा लिखोगे, बी लिखोगे, ए के बाद बी गए तो बी के बाद इधर आओगे बी ए सी, इधर से ए बी डी चल रहे तो इधर से बी ए सी चलो, ठीक ए डी साइड वा, यहाँ से ए डी यहाँ से बी सी आ गया बराबर, देखो ये दोनों ट्राइंगल में चल रहे हो तो क्या क्या इक्वल है बाबू है ना, क्या है सर ए डी बराबर क्या है सर, ए डी बराबर बी सी सर, का है सर रेक्टेंगल का अपोजिट साइड इक्वल होता है, ए डी बराबर बी सी का है सर, यहाँ से कह सकते ए डी बराबर बी सी, ए डी बराबर बी सी फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से है ना, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से, और क्या है सर एंगल ए बराबर एंगल बी, जानवे करते सर एंगल ए बराबर एंगल बी, अरे इसमें चलो ना जी एगो भूलो ना जी, ट्रायंगल ए बी डी में इसमें चलोगे तो एंगल वन 90 डिग्री होगा ना, ए बी डी में चलो ए बी डी में, ए बी डी में चलोगे तो उस समय अरे शैतान जहर खा के मर जा, कहाँ गया रजिस्टर वगैरह कुछ हो, अरे देखो रो रहा, ट्रायंगल ए बी डी में चले गए तो एंगल वन 90 डिग्री होगा, देखो 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 शैतान ए बी डी में चलेगा तो एंगल 90 डिग्री होगा ना, इस ट्रायंगल वन चलेगा तो एंगल 90 डिग्री, नेक्स्ट उसी तरह से इसको ढक दो तो ए बी सी में चलेगा तो ये एंगल कितना होगा 90 डिग्री होगा, ये एंगल कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा, यहाँ मतलब ये 90 डिग्री हो जाएगा है ना, ये ट्रायंगल में चलोगे ग्रीन कलर वाला में तो ठीक, तो वही तो सोचना है, कुछ ज्यादा थोड़ी सोचना है, एकदम मुंह लटका लेता है सर, एंगल ए बराबर बी बराबर कितना 90 डिग्री है ना, और क्या होगा ए बी साइड, ए बी साइड दोनों में कॉमन है ना जी, जो ए बी साइड है दोनों में कॉमन है सर है ना, ए बी डी में भी ये भी आ रहा है
और ए बी सी में भी ए भी आ रहा, तो ए भी क्या है, कॉमन हो गया। ये क्या हो गया, ईच एंगल ऑफ रेक्टेंगल 90 डिग्री, ईच एंगल ऑफ रेक्टेंगल कितना होता है, 90 डिग्री होता है, इज 90 डिग्री है ना, ठीक बाबू। और ए बी बराबर कितना हो जाएगा, डी ए हो जाएगा, कॉमन है सर। तो जैसे दो ट्राइंगल कांग्रेंट हो गया, इसलिए हम लोग कह सकते हैं ट्राइंगल ए बी डी कांग्रेंट, ट्राइंगल बी ए सी कैसे, एस ए एस से है ना, एस एस क्रिटिया। एगो 90 डिग्री तो आर एच एस मत लगा देना, कहे सर आर एच एस तभी लगाएंगे जब हाइपोटेनस लेगा, यहाँ एगो 90 डिग्री है ना, तो मन करेगा 90 डिग्री होने को तो आर एच एस लगा देते, आर एच एस तभी लगाना जब हाइपोटेनस इंक्लूड करेंगे। यहाँ पे बाबू ये एंगल वन 90 डिग्री ले रहा है, तो इस एंगल के सामने ये हाइपोटेनस है ना, तो इसको इक्वल किए हैं नहीं ना किए हैं, आर एच एस तभी होता है जब एगो साइड पर है ना हाइपोटेनस लेते तभी आर एच एस होगा, नहीं तो नहीं होगा। देखो 90 डिग्री को हाइपोटेनस वाला चाहिए, यहाँ पे हाइपोटेनस वाला साइड नहीं लिया तो ये आरएचएस नहीं होगा, ध्यान देना ठीक। नेक्स्ट बाबू, तो ट्रायंगल कंग्रेंट हो गया था, इसलिए बाबू इसलिए क्या हो जाएगा, एसी बराबर क्या हो जाएगा, बीडी हो जाएगा। यही आपको प्रूफ करना था, थोड़ी कोई रॉकेट साइंस करना था, नहीं समझे गुनगुन। समझ गया सर। हाँ तब याद रहेगा ना जी, रेक्टेंगल का डायगोनल इक्वल होता है। हाँ सर। हाँ बोले, जल्दी लिखो। सर रोना नहीं है स्क्रीनशॉट। शिवा बाबू, शिवानी रोना नहीं है बोली, कोई दिक्कत नहीं बाबू, तब जागे जब जागे तभी सवेरा। सर मतलब कि रात के 11 बजे जागे तो अरे सुबह ही होगा। बाबू आप मतलब समझते नहीं हो कहने का, अब बताओ ऊंट के मुंह में जीरा वाला कहावत सुना है, तो उसमें क्या कहने जाता है, ऊंट के मुंह में जीरा डालने जाता है कि कोई बड़ा काम है आपका रिजल्ट छोटा होता है, उसी को ना ऊंट के मुंह में जीरा कहते हैं जी, या खोदा पहाड़ निकली चूहिया, कहावत नहीं सुने जी, खोदा पहाड़ निकली चूहिया वाला मतलब आप पहाड़ खोदने जाओगे वहां से चूहा चूहा निकालोगे, कि कोई बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हो और सक्सेस एकदम छुट्टी सा मिला है ना, तैयारी किया यूपीएससी डीएम बनने का, अब बन गया बाबू है ना चपरासी बन गया है ना, तो उसी को कहेंगे खुदा पहाड़ निकले चूहे वाला, तो सर ठीक वहां उसी पे से पर। दो ट्रायंगल है सर, सिंबल बना है कंग्रुएंट हाँ में। बाबू वेरी गुड बाबू, वाह देखो तो मेरा बच्चा है बाबू है ना, इसका ध्यान पढ़े पर बहुत अच्छा। तो कहने का मतलब वही हो बाबू, तब जागे है ना जब जागे तभी सवेरा, मतलब ही हो बाबू, आप जिस दिन जाग गए हमको पढ़ना है उसी दिन से आपका प्रगति शुरू हो जाएगा, जल्दी लिखें। नेक्स्ट बाबू, भेज दिए बाबू फोटो खींच के, प्रूव डेट द बाबू डायगोनल ऑफ रोम्बस आर परपेंडिकुलर, रोम्बस का डायगोनल चाहे स्क्वायर का डायगोनल क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है ना, ठीक इस बात को प्रूव करना, जल्दी करो जल्दी करो। 7वां नंबर, प्रूव डेट द डायगोनल ऑफ रोम्बस, साइड सर जल्दी से कौन प्रूफ करेगा, जल्दी से करो सिंको प्रूफ। क्या बोले, प्रूफ दैट ए डायगोनल लिख रहे हैं प्रूफ दैट द डायगोनल ऑफ रोम्बस आर परपेंडिकुलर, रोम्बस का डायगोनल परपेंडिकुलर करता है, परपेंडिकुलर होता है, बताया था ना जी। जल्दी से करो बाबू, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, देखो रोम्बस बनाओ, बताए थे इसी तरह से जैसे रोम्बस वाला होगा ना वैसे स्क्वायर वाला होगा, स्क्वायर का भी डायगोनल क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है ना, परपेंडिकुलर होता है। तो जो प्रॉपर्टी पढ़े उसमें से कुछ कुछ प्रॉपर्टी को हम लोग क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे।
ग्रीन वाला कलर ही रेज नहीं होता। जल्दी करो। कल आप लोग का टेस्ट ले लेंगे बाबू, रिवीजन वगैरह कर लीजिएगा, है ना। कौन सा टेस्ट? प्राइज वाला मंथली टेस्ट, टाइम बचेगा तो अटेंडेंस टेस्ट ले लेंगे। पिछले सर मंथ पिछले वाला, पिछला महीना मंथ का वाला तो नहीं लिए थे ना? लिए थे, लेकिन आप लोग सही सही तो इसी में फर्स्ट प्राइज सेकंड प्राइज नहीं तो कर देंगे और क्या, है ना। 400 है ना, जैसे 200 था, 200 पिछले वाला ड्यूज हो गया तो 400 हो गया, तो एक फर्स्ट वाले को दे देंगे, आएगा सेकंड वाले को दे देंगे, नहीं तो सर आपसे फर्स्ट सेकंड रखेंगे, आपसे। अरे शैतान बात समझ, यही तो दिक्कत होता है। थर्ड वाले को अरे 100 रुपये दे दीजिएगा, थर्ड वाले को 100 दीजिएगा, फोर्थ वाले को 50। 50। अरे वो इसे नहीं बहू, देखो टेस्ट क्या था, पिछला ईयर पिछला मंथ में जो अक्टूबर दुर्गा पूजा में था तो बाहर चल गया था आप लोग को पिटने के लिए, तो उस मंथ वाला प्राइज वाला टेस्ट नहीं ना हो पाया 200 वाला। हर एक मंथ में आप लोग 200 का जो प्राइज देते नहीं ना हो पाया, तो उसका अटेंडेंस एक वाला हमारे, नहीं हुआ था सर? हाँ अटेंडेंस वाला भी मैंने कुछ हो नहीं हुआ था, ठीक है ना, तो वो भी ड्यूज रह गया। अरे इस नवंबर मंथ है, आज 3 तारीख हो गया ना, नवंबर मंथ का भी हो गया सर अगर तो दोनों बहुत टेस्ट नहीं हुआ तो 800 ना नवंबर मंथ का होगा, भी, तो दोनों को मिलाकर हाँ 800 ना हाँ होगा? हरे हाँ बाबू, हर एक मंथ का 200 200 तो हाँ कितना तो हो वो जाएगा, 800 हो गया। हाँ टोटल हो जाएगा आपका 800, है ना। टोटल 800 रुपया जितना आप देते हो उससे आपका आप ही के यहाँ चल जाता, बिल्डिंग बनाना थोड़ी है जी, ठीक है ना। ये हो गया, और 800 का आपका कॉपर सल्फेट हो गया, ठीक है ना। देखो इसको देखते हैं ना, कल आप लोग का होगा, ठीक है ना। तो इसी में एगो को फर्स्ट दे देंगे, एगो को सेकंड दे देंगे, है ना, 200 अटेंडेंस वाला में, थर्ड फिर को थर्ड देखते हैं। तो थर्ड को तब ये सब फिर आदत पकड़ लेगा ना, नहीं तो ऐसे कर देंगे, फर्स्ट को 200 और सेकंड थर्ड को 100 100 रुपया, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। प्रूव करो, बात मत बना, वो कल हम लोग डिस्कस करेंगे, अभी आज पढ़ाई वाला, इसको प्रूव करो जी। एक पर एक रोमबस बनाइए, अब मंडे से जिसको जिसको इलेक्ट्रिसिटी पढ़ना है सबको बुला लेना सुबह में, अच्छे से पढ़ लोगे पृथ्वी पे कोई भी क्वेश्चन बनाओगे बन जाएगा। सर सैटरडे को क्लास होगा? हाँ जी कल क्लास होगा जी, हद करती हो जी, जल्दी जल्दी एक रोमबस बनाओ बाबू, 6 सेंटीमीटर सर हम नहीं करेंगे हाँ तो हम पीट देंगे। सर, एग्जाम आप लिख सैटरडे को कौन सा, संडे को एग्जाम होता है जी, संडे वाला क्लास मत करना, सैटरडे को तो करोगी ना। देंगे सर। सैटरडे को एग्जाम है, कल ही का सैटरडे है। हाँ तो शाम वाला करना, अच्छा ठीक है, सुबह अटेंड कर लेना। सुबह अटेंड कर लेंगे बट पढ़ेंगे नहीं। सर शाम वाला क्या सर, एबीसीडी रोमबस बाबू दिख रहा है बाबू, रोमबस लगता है इस साइड बाबू ज्यादा बड़ा हो गया। रोमबस का क्या होता है सर, चारों साइड इक्वल होता है, रोमबस का चारों साइड इक्वल होता है ना। जल्दी बना बाबू, खत्म करो इसको। ठीक, चारों साइड इक्वल करोगे ना तो ऐसी तिरछा आपका भागिया जाएगा, तिरछा भागिया जाएगा, ए बी सी डी क्या हो गया, रोमबस हो गया सर। तो आपको प्रूफ करने का रहा, इसका जो डायगोनल होगा ना 90 डिग्री बनाएगा, क्या बनाएगा, 90 डिग्री बनाएगा, है ना, 90 डिग्री बनाएगा। ये हो गया, और इसका डायगोनल क्या हो गया, ये हो गया, यहाँ पे कितना बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। इसी बात को आपको क्या करना है, प्रूफ करना है, ई ओ हो गया, यहाँ पे 90 डिग्री बनेगा, है ना। ठीक, तो आपको क्या दिया हो सर, ए बी सी डी रोमबस दिया होता है, रोमबस के सारा प्रॉपर्टी पहले लिखो, गिवन डेट बाबू, ए बी सी डी जे रोमबस सोल्यूशन, गिवन डेट बाबू, जल्दी करो जी, ए बी सी डी इज ए रोमबस, है ना। तो रोमबस का चारों साइड क्या होता है सर, इक्वल होता है, ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी और बराबर ए डी, ये बात समझ में आता है ना। हाँ सर,
जल्दी करो जल्दी करो। ठीक नेक्स्ट बाबू। आपको क्या करना पड़ेगा भोला, इसको 90 डिग्री प्रूफ करना। क्या करना? 90 डिग्री प्रूफ करना। अब यहाँ पे 2 लाइन छोड़ो और सोचो कैसे करोगे। सोचो जी, जल्दी दिमाग लगाइए कैसे कीजिएगा। हमको 90 डिग्री लाना है ना बाबू। अब सोचना, यहाँ से 2 लाइन छोड़ो, पहले आप लोग सोचो। इन ट्राइंगल किस में चलो? ए ओ बी में चलो। ट्राइंगल एक में चलते हैं सर, आ ट्राइंगल दो में चलते हैं, बी ओ सी में चलो। ए ओ बी एंड बी ओ सी में चलो, ट्राइंगल बी ओ सी में चलो, ए ओ बी बी ओ सी। इसको देखो तो कैसे कैसे करोगे, क्या चीज होगा। ए ओ बी बी ओ सी में चलो, बोला बोला बाबू मेरे। जल्दी करो जी, कैसे कंग्रेंट करोगे? ए ओ बी और बी ओ सी में ए बी साइड व बी सी साइड बराबर हो गया सर, है ना बाबू। ए बी बराबर क्या हो जाएगा? बी सी हो जाएगा। ये तो बात समझ में आता है ना? बीओ ठीक कॉमन सर। साइज अच्छा ठीक है मेरे लाल, आपकी बात। ओ बी बराबर बी, ये हो गया रोमबस से, है ना, साइड ऑफ रोमबस आर इक्वल। सर, एंगल ए ओ बी इक्वल टू डी ओ सी। एंगल ए ओ बी बी ओ सी कैसे इक्वल हो जाएगा जी? साइड ऑफ रोम, वही चीज तो सिद्ध करना, साइड ऑफ रोमबस आर इक्वल। कैसे होगा सिंकुल सर? सर एंगल बोला है, एंगल ओ 90 डिग्री बनेगा। एंगल ओ ए बी मतलब कि ये, हाँ, ओ ए बी इक्वल्स बी सी ओ। कैसे बाबू? तो वो ये अल्टरनेट एंगल्स को बाइसेक्ट करता है, इसको प्रूफ करना पड़ेगा। साइड्स ऑफ रोम्बस आर इक्वल, है ना, साइड ऑफ रोम्बस आर इक्वल। ठीक, सर ओ बी एंगल बरा ए ओ बी वर्टिकली अपोजिट एंगल से हो जाएगा। अच्छा अभी देखो, ए ए सर ओ ए ए बी और बराबर कॉमन बी सी इक्वल हो जाएगा। है, ये कॉमन है। एक चीज और आप लोग खोजो, दो चीज मिल गया। सर आप बोलो। सर ए बी और बी सी रोम्बस है तो सर हाँ सर, ये ओ बी ए और ओ बी सी इक्वल होगा। ए बी और ओ बी सी इक्वल है। ए हेलो, बी ओ ये हाँ, एंगल, और बी ओ सी और यानी वो एंगल दोनों बी ओ सी ये एंगल, सर ओ बी सी, सॉरी तरफ ओ से बी सी, नीचे ओ बी सी, ओ बी सी, ओ बी सी। ओ बी सी ये वाला एंगल। हाँ सर, यस सर, डायगोनल बाइसेक्ट करता किसका डायगोनल बाइसेक्ट करता? रोम्बस का सर, आपको इंटीरियर एंगल प्रूफ करने बाइसेक्ट का करता। रहा, प्रूफ करना क्या कह रहा बाबू? प्रूफ करने का रहा बाबू कि रोमबस जो है उसका डायगोनल यहाँ पे 90 डिग्री होगा। यूज कर सकते हो, जल्दी जल्दी बोलो, जल्दी बोलो बाबू। कंग्रुएंस तो हो सर गया सर, लीनियर एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल बी ओ सी। अरे शैतान, एंगल ए ओ बी या बी ओ सी तो ये तो लाना ही है बाबू। आपको बाबू क्या करा, 90 डिग्री से सर, 90 डिग्री तो से कूट दे, वो तो प्रूफ है करना करा। हमरा कह रहा आपको प्रूफ करने क्या करा, प्रूफ देता है डायगोनल ऑफ रोम्बस आर परपेंडिकुलर, डायगोनल का जो अथी रोम्बस का जो डायगोनल वो प्रूफ है। आप जो प्रूफ करने का रहा वही बात बोल रहा, हद करता है जी। ओसी दो चीज आपको बराबर हुआ, इसमें एक चीज खोजो, या तो एगो साइड बोलो चाहे एगो एंगल, आपको इक्वल वो करना वाला है, क्यों खोजो नहीं अपना। हो, एंगल बी सर वाला ओ क्यों? ए और एंगल तो ओ बोल ही सी, रहे हैं सर, एंगल बी वाला क्यों नहीं हो रहा, बाइसेक्ट ए करता ओ है, वही वाला वही वाला। हाई वाला एंगल वा बाइसेक्ट करता है, लेकिन यहाँ डायगोनल के बारे में तो आपको यही करना है ना, वो प्रूफ ये करना है ना सर आपको तो डायगोनल डायगोनल के बारे। इंटरसेक्ट 90 डिग्री प्रूफ करना है ना, हाँ बाबू, 90 डिग्री प्रूफ करना है। कह वहां पर क्या कर रहा है सकते इंटरसेक्ट। हो डायगोनल का जो, अब ये क्या बोलते हैं, रोमबस का जो डायगोनल होता है बाइसेक्ट करता है, बाइसेक्ट करता है ना। तो यहाँ ऐसे ऐसे एक बात और सोच सकते हो, कैसे सोच सकते हो, शांति से समझना। ए बी सी डी अगर रोमबस है बाबू, है ना, तो ए बी सी डी रोमबस है तो हर एक रोमबस क्या होगा, पैरेललोग्राम होगा, बताए थे ना बाबू। ए बी सी डी अगर तो रोमबस है बाबू तो हर एक रोमबस मेरा क्या होता है, पैरेललोग्राम होता है। ठीक है ना, अब हर एक रोमबस जब पैरेललोग्राम होगा तो पैरेललोग्राम का डायगोनल क्या करता है, बाइसेक्ट करता है ना जी। पैरेललोग्राम का डायगोनल क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। एओ बराबर क्या होगा, ओसी हो जाएगा, ऐसे सोच सकते हो बाबू। ठीक, और नहीं तो बाबू आप ये एंगल ले सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना।
दोनों बात ले सकते हो। अरे शैतान, मान लो एबीसीडी एक रोमबस है, तो एबीसीडी मेरा क्या होगा, पैरेललोग्राम होगा। अब पैरेललोग्राम का डायगोनल बाइसेक्ट करता है कि नहीं करता, बताए थे बाबू, याद है जी? बोलो बाबू, सुन लो बाबू, क्या सर? पैरेललोग्राम का डायगोनल, मान लो एबीसीडी मेरा पैरेललोग्राम है, ठीक, इसका कटिंग पॉइंट वो है, तो एक डायगोनल बाइसेक्ट करेगा कि नहीं करेगा, कितना टाइम होगा? करेगा लेट हो गया जी। तो जब बाइसेक्ट करेगा बाबू, तो एबीसीडी अगर रोमबस है बाबू, तो हर एक रोमबस मेरा क्या होगा, एक पैरेललोग्राम होगा। तो उस केस में AO और OC आपस में क्या होगा, बराबर हो जाएगा सर, कैसे? बाइसेप्ट क्योंकि बाबू पैरेललोग्राम का डायगोनल क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। इस प्रॉपर्टी को करता आप है एओ और उसकी इस बराबर प्रॉपर्टी, चूंकि इसको इस प्रॉपर्टी को आप लोग लिख सकते हो, चूंकि ABCD मेरा क्या बनेगा, ABCD जब पैरेललोग्राम, ये क्या होगा, पैरेललोग्राम होगा। क्यों पैरेललोग्राम होगा सर, शांति समझना, इसलिए पैरेललोग्राम होगा बाबू कि जितने सारे रोमबस होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, पैरेललोग्राम होते हैं। तो जब पैरेललोग्राम है तो हम लोग पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टीज क्या यूज करेंगे सर, है ना? सो बाबू, है ना, डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम आर बाइसेक्ट, है ना बाबू? सो बाबू, डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। हाँ टाइम हो गया, टाइम हो गया, हमको भी पता है, बाइसेक्ट करता है, ठीक। जैसे बाइसेक्ट करेगा मतलब हम लोग क्या कह सकते हैं, AO बराबर क्या कह सकते हैं, OC कह सकते हैं, है ना? तो यहाँ से लिख लो, AO बराबर OC हो गया इक्वेशन फर्स्ट, यहाँ से फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से, ठीक। ऊपर में सर, क्या ऊपर? हाँ यहाँ पे AO हो जाएगा। नेक्स्ट, तो ट्रायंगल क्या हो गया, इसलिए इसकी कहानी थोड़ा सा बच गया, इसमें थोड़ा सा बच गया, 3 मिनट और लगेगा। इसलिए ट्रायंगल अभी 90 डिग्री प्रूफ नहीं हुआ, इसको कल 2 मिनट, अभी 90 डिग्री नहीं हुआ, इसलिए ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल BOC क्या हो गया, कंग्रेंट हो गया, कंग्रेंट हो गया। कैसे सर? तीनों साइड है SS से, जैसे कंग्रेंट हो जाएगा तो एंगल इक्वल हो जाएगा, बाकी की कहानी हम लोग कल सुनेंगे। इसलिए ट्रायंगल ए एंगल AOB, एंगल AOB बराबर एंगल BOC, इसके बाद की कहानी हम लोग कल सुनेंगे। सर को ये एंगल सिंगल बराबर, ट्रायंगल से प्रूव कर सकते हैं ना? अभी ये मत कीजिएगा, रुको, ये ठीक है, एंगल AOB और BOC क्या होगा, इक्वल हो जाएगा, बाकी हम लोग कंटिन्यू करेंगे कल। सर इसको सिंगल ट्रायंगल में प्रूव कर सकते हैं ना? एक ट्रायंगल में कैसे प्रूफ कीजिएगा बताइए। सर ये जैसे AOB में एंगल OAB प्लस OBA हम लोग का 90 डिग्री हो जाएगा मिला ये के, दोनों प्लस साइड एक्स। अच्छा शांत रहो, ये दोनों साइड बराबर कहाँ, कौन प्रॉपर्टी से दोनों साइड बोल दिया, एंगल बोल रहे हैं, OAB और OBA है। सर OBA और OAB, तो इस साइड कैसे जोड़ के 90 होगा, ये बताइए, कुछ बोल एडजेसेंट एंगल से हम लोग का 90 डिग्री होता है, मतलब क्या, कर एडजेसेंट एडजेसेंट एंगल, एंगल किसका 180 डिग्री होता एडजेसेंट बाबू? है, रोम्बस का एडजेसेंट एंगल 180 डिग्री होता है। हाँ 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 ये रोम्बस का एडजेसेंट कर तो सकते फिर हैं, डायगनल्स बाइसेक्ट हो जाएगा। ये 90 हो जाएगा, तो ये को 90 ना बचेगा बाबू, कर हाँ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आप लोग का सर इसको, हो जाएगा। हम लोग तो रहेगा तो मार्क्स दे देंगे, लेकिन आप लोग के स्कूल वाला टीचर पे डिपेंड करता है बाबू, ठीक है बोला। बाकी विशेष जानकारी कल बाबू, आप लोग लेट हो गए 3 4 मिनट। इवनिंग सर, जिसको गुड बाय सर। इलेक्ट्रोप्लेटिंग देखना है ना, पढ़ लेगा, बता देते, समझा देते। बाय सर, बाय बाय सर, गुड बाय बाय बाबू, इवनिंग सर, गुड गुड इवनिंग बाबू। इवनिंग सर। 7 मिनट लेट हो गया जी। हाँ इतना बड़ा होता है गुड सर, इवनिंग बाय बाबू, सर, कल ज्वाइन द क्लास ऑफ बैच ई। टेस्ट है ना हाँ कल आप लोग का टेस्ट है, ठीक सर, अभी इरेज मत कीजिएगा सर, है, ट्राई करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सर आप भेज दीजिए सर, ठीक शैतान लो ना स्क्रीनशॉट भेज दी, जालसी करता है। आ गया आर्यन यस बाबू, देखो मेरा आर्यन आ गया, 6 बजे आया था यस सर, आ आर्यन, गया क्या 6 बजे आया था आर्यन। सर? नहीं सर, अभी 5 7 मिनट पहले ही आए। अच्छी बात, नहीं तो सवा 6 बजे भी आए थे बाबू लगता है।